हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओएन जीके पर। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो के लिए बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन किस में आते हैं, SSC के किसी भी, CGL हो, CGHSL हो, या फिर SSCP हो, या फिर MTS का, NTPC का, रेलवे का, NDA का, या UPSC, कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम उनमें आता है। ठीक है, आज देखेंगे जैसे कि बेस्ट फिल्म, हिंदी फिल्म कौन सी, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट डायरेक्टर कौन है, मोस्ट फ्रेंडली स्टेट कौन सा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो नेशनल अवार्ड के बारे में कुछ जान लेते हैं पहले। तो ठीक है, नेशनल अवार्ड जो ये 68th नेशनल अवार्ड है वो कब अनाउंस हुआ है, ये अनाउंस हुआ है 22 जुलाई 2022 को। ठीक है, द प्रेस्टीजियस नेशनल फिल्म अवार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1954 में एस्टेब्लिश हुआ। ये क्या, ये एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ द फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, और ये किसके द्वारा लीड किया गया है, ये है फिल्म मेकर विपुल सागे द्वारा लीड किया गया है। और कितने मेंबर की जूरी थी, ये 10 मेंबर की जूरी थी। मिनिस्टर कौन है इसका, इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग का, ये है अनुराग ठाकुर। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भाई किसको अवार्ड मिला है। ठीक है, देख लेते हैं बेस्ट हिंदी फिल्म किसको मिला है, तुलसीदास जूनियर को। बेस्ट फीचर फिल्म किसको मिली है, ये है शौर्य राय पोट्रू को। इसका डायरेक्ट कौन है, सुधा कुंगारा। और ये बेस्ट नॉन फीचर फिल्म को किसको मिली है, टेस्टमनी ऑफ अन्ना को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, सूर्या को, अजय देवगन को, अजय देवगन तानाजी के लिए, और सूर्या को शौर्य पोट्रू के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, अपर्णा बाला मुरली को, ये किसके लिए, शौर्य पोर्ट्रू के लिए। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला है, सचिन आनंद के आर को, किसके लिए, अपन कोशियम के लिए। बेस्ट मेल फिल्म प्लेबैक सिंगर किसको मिला है, राहुल देश पांडे को, किसके लिए, मी वसंता राव के लिए। बेस्ट फीमेल सिंगर किसको है, नचम्मा को, किसको के लिए है, अपन कोशियम के लिए। ठीक है, बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड किसको मिला है, संध्या राजू को, नाट्यम के लिए। बेस्ट कोरियो सिनेमाटोग्राफी के लिए किसके मिला है, अभी जात्री को, सुप्रियतम भोले के लिए। ठीक है, अब इसके MCQ देख लेते हैं ना, अब कुछ और देख लेते हैं। जैसे मोस्ट अवार्ड्स किसको मिले हैं, सबसे ज़्यादा शौर्य पोर्टो को, कितने अवार्ड, 5 अवार्ड मिले। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसेल इंटरटेनमेंट किसको, तानाजी को। बेस्ट कन्नड़ फिल्म किसको, ढोलू को। बेस्ट मलयालम फिल्म किसको मिले, थिंगलज्जा निशच्चम के लिए। बेस्ट तमिल फिल्म किसको मिला है, सिवरंजिनियम इनु शिला और पेंगलू। ठीक है, बेस्ट तेलुगु फिल्म किसको, कलर फोटो को। बेस्ट एनवायरनमेंट किस फिल्म, मन अरु मन हूँ के लिए। ठीक है, बेस्ट फैमिली फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा है, मध्य प्रदेश। और बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू में, जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड एंड थ्री सिस्टर्स को मिला है। अब देख लेते हैं MCQ बेस में क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हु वाज ओनर ओनर्ड द विद द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट 68th नेशनल फिल्म अवार्ड। तो इसके ऑप्शन है अजय देवगन, सूर्या, मनोज बाजपेयी और AB। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AB, अजय देवगन और सूर्या। अजय देवगन को तानाजी के लिए और उसको शौर्य पोर्ट्रू के लिए। नेक्स्ट, हु वाज ऑनर्ड विद द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट 68th नेशनल फिल्म अवार्ड। तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है। तो इसका राइट आंसर, इसके ऑप्शन है कीर्ति सुरेश, कीर्ति सेनन, कंगना रनौत और अपर्णा बाला मुरली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपर्णा बाला मुरली, किसके लिए, शौर्य पोर्ट्रू के लिए। अब देख लेते हैं विच फिल्म वोन द बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड 68th नेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक है, तो किसको मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास जूनियर। इसका डायरेक्टर है मृदुल महेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गोट द अवार्ड फॉर मोस्ट फिल्म फ्रेंडली फिल्म स्टेट 2022। तो किसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है मध्य प्रदेश। अब देख लेते हैं, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड वाज गिवन। तो कब मिला था सबसे पहला अवार्ड, कब दिया गया था, ये दिया गया था 1954 को। और कहाँ पे हेल्ड हुआ था इसकी सेरेमनी, ये हुई थी दिल्ली में। द फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन द ईयर 1954। अब
67th नेशनल के अवार्ड के रिविजन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बेस्ट हिंदी फिल्म किसको मिले? शोरे को। बेस्ट फीचर फिल्म मराकर लयन ऑफ द अरेबियन सी। नॉन फीचर फिल्म के लिए मिला था एन इंजीनियर ड्रीम। बेस्ट एक्ट्रेस थी कंगना रनौत, किसके लिए? मणिकर्णिका और पंगा के लिए। ठीक है, बेस्ट एक्टर कौन था? मनोज वाजपेयी, किसके लिए? भोसले के लिए और धनुष असुरन के लिए। ठीक है, और एक्टर रजनीकांत वाज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस 51 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी फॉर हिज कंट्रीब्यूशन एज एन एक्टर प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर। ठीक है, तो किस किस के मतलब कंट्रीब्यूशन से रजनीकांत ने? एक्टर प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर प्री पीडीएफ ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।